नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पूर्व डीजीपी बिहार के गुप्तेश्वर पांडे ने आज विधिवत जनता दल यूनाइटेड की जदयू की सदस्यता ले ली नीतीश कुमार के यहां। उसके बाद उन्होंने अभी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जदयू ऑफिस से ही, उसको भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन जदयू के बड़े कद्दावर नेता उनके पक्ष में कुछ कसीदे पढ़ रहे हैं, उनकी बड़ाई कर रहे हैं, पहले उनको सुनवा दें। टैक्टफुल अधिकारी के रूप में जाने जाते रहे और आज से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनको सदस्यता दिलाई। आज से ये जनता दल यूनाइटेड परिवार के एक सदस्य के रूप में आज शामिल हो गए हैं। हम सब लोग इनका तहे दिल से, हृदय से जनता दल परिवार में स्वागत करते हैं और इनको भरोसा दिलाते हैं आपके जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है आपके। तो आपने सुना जदयू नेता को कि बड़ा अच्छे से उनकी बड़ाई करके कहा कि बस अब आप ही हैं पार्टी में, आपका सम्मान है, आप जैसे योग्य व्यक्तित्व का पार्टी स्वागत करती है, तहे दिल से स्वागत करती है। अब आपको सुनवाते हैं कि गुप्तेश्वर पांडे ने क्या कुछ कहा। आधुनिक सदस्यता दिलाई, मैं शुरू से ही उनसे प्रभावित रहा हूं। जिस तरह से प्रशासन में हर तरह से पुलिस को सहयोग करने का काम, जो अपराधी हैं, रंगदार हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनके प्रति पूरी सख्ती बरतने का आदेश, और किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उनको बर्दाश्त नहीं था चाहे किसी स्तर का। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने उनसे प्रभावित होकर उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। आगे जैसा आदेश होगा हमारे दल के नेताओं का, उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। तो आपने सुना गुप्तेश्वर पांडे की, मैं शुरू से कहा कि मैं शुरू से नीतीश जी के कामों को सम्मान देता हूं, अच्छे नेता हैं। यानी कि नीतीश कुमार के भी बड़ाई के कसीदे पढ़े गुप्तेश्वर पांडे ने। चलिए, आज तो स्वयंवर रचा ही लिया पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जदयू के साथ। और अब देखना है कि गुप्तेश्वर पांडे की चुनावी पारी क्या रंग दिखाती है, क्या जनता उनको, जो उनकी छवि रॉबिनहुड की थी पुलिस वाली, अब उनको एक पैजामा कुर्ता खादी के नेताजी के रूप में उनको कितना स्वीकार करती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन नेशन भारत की नजर गुप्तेश्वर पांडे के हर कामों पर रहेगी कि नेताजी कहाँ जाते हैं और क्या कहते हैं, क्या वो पुलिस वाली रोबदार छवि रहेगी या नेताजी जैसा हाथ जोड़ के जनता से भीख मांगेंगे। नेशन भारत के साथ बने रहिए, नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।